अभी मैं यहाँ से ही पहुँच गया। क्या हुआ? क्या करना चले वापसी? वेलकम बैक टू VRC ब्लॉग। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। आज हम फिर से एक मोटो ब्लॉग करने वाले हैं मेरी नए GoPro से, तो आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। ये रही मेरी बाइक और साथ में रही हेलमेट। सामने ही कुछ इस तरीके का व्यू है, सामने रोड राल डंडा दिख रहा होगा। ये मैंने वाला व्यू सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको, VRC फर्स्ट ब्लॉग, उसमें 1K व्यूज पहुँच गया है लगभग। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा पार, ये है मोराल डंडा, सामने ही जा रहा है नचारी वाला रोड। अभी हम उस रोड में जाएंगे अपने GoPro का टेस्टिंग करने। आज मेरा GoPro का फर्स्ट दिन है, तो हम GoPro को चेक करेंगे कैसा है, कैसा वीडियो बनता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को। फर्स्ट टाइम है मेरा GoPro का, कैसा होता है उसकी आईडी। ओ उम्मीद करता हूँ कि अच्छा वीडियो बन रहा होगा। तो मुझे तो पता नहीं लग रहा, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं GoPro से, GoPro Hero 9 से। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं GoPro Hero 9 से है, वाइड एंगल में है। ओ काफ़ी टाइम से सोच रहा था GoPro लूँ और फाइनली मैंने GoPro ले लिया है। GoPro लेने के बाद ये फर्स्ट फुटेज है, जो फर्स्ट वीडियो मेरी बनती है, ये फर्स्ट वीडियो आज के दिन बन रही है GoPro से। आज है 25 तारीख, दिवाली पिछले कल था, पिछले कल सोचा था पिछले कल बना ले, तो हुआ नहीं वैसे भी, तो काफ़ी अपसेट हूँ मैं। तो रोड है काफ़ी ज़्यादा तंग, तो ऐसे रोड में चलना पड़ता है थोड़ा संभल कर। ओ, 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 आए, 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 आए। मुझे पता नहीं माइक में आवाज़ आ रही होती कि नहीं आ रही होती, माइक मैंने इसमें लगाया नहीं अभी फिलहाल के लिए। रोड है काफ़ी ज़्यादा डेंजर और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है। मुझे तो क्यों पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट था कुछ दिनों से कि मैं अपने GoPro से वीडियो शूट करूं, तो फाइनली आज का दिन वो मुझे मिला। तो देखते हैं कैसा होता है GoPro का फर्स्ट शूट। आपको मैं एक बैग दिखाऊंगा आर R1 5, उसमें एग्जॉस्ट लगी हुई है आप लोगों को। मुझे पता नहीं है सेटिंग भी कैसा हुआ होगा, सेटिंग भी कुछ ऐसे तुक्के से ही कर दिया मैंने। तो आपके सामने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, पूरा धूप वाला पोर्शन है। अभी मैं फिलहाल वहाँ से आया, तो आप लोगों को मैं आगे से रुक के दिखाऊंगा। वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे, थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है। अपने ओर से भी कुछ संभल के चलो, अपने ओर से गलती नहीं करनी है लगभग बिल्कुल भी नहीं। तो देखो अपने साइड से निकलेंगे कौन क्या बोल सकता है, तो
उसके बाद जाए अपने से, थोड़ा कोई भी हो आगे तो कोई किसी को कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने साइड से चलना मैं बेटर मानता हूँ। फाइनली मैं समुद्र के पास पहुँच गया लगभग, तो मुझे अभी लगा कि इसकी डिस्प्ले की लाइट बंद थी ना, ऑफ था, तो मुझे लगा कि ये अभी कैमरा मेरा बंद हो गया होगा, तो फाइनली कैमरा बंद नहीं हुआ अभी। तो अभी मैं फिलहाल वहाँ से आया पा रही हूँ शर्वाली गाँव, तो मैं अभी सूर्य पहुँच नहीं वाला हूँ। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये शर्वाली गाँव है, काफ़ी बचपनों की यादें हैं मेरी यहाँ पे, तो इस जगह को मैं कभी भूल नहीं सकता, शायद नहीं भूल सकता, काफ़ी याद है इन जगहों में, तो बचपन से ही इधर ही रहा मैं। मुझे मैं लगभग सुंदरी पहुँचने ही वाला हूँ, तो लाल साइड के लोग अपने वहाँ पे होंगे। अमेजिंग व्यू, ये आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी बार दिखाया, बर्फ़ वाला दिखाया होगा। तो फाइनली मैं यहाँ से भी पहुँच गया, रेस्ट हाउस जो काफ़ी बन गया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। भोपू भाई क्या हाल है, चले फिर चलते हैं, क्या व्यू आ रहा ना, जबरदस्त कैमरा चल रहा है। ऑसम व्यू, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके का व्यू है। अभी मैं वहाँ से आया पार्लर में, यही तब मज़ा कर सकता। वो आपको दूसरी बाइक दिखती है सेम टू सेम, इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा बाद में जब आप आगे स्टे करेंगे कहीं बीच पर। तो ये रोड है नसारी का, तो इस रोड में भी बहुत यादें हैं, तो काफ़ी टाइम से आया नहीं था इस रोड में, तो फाइनली आज वो प्रो का टेस्टिंग भी करना था, तो इसलिए मैं आने का मौका मुझे मिला, यही कह सकते हैं अब। और अपने भाई लोग काफ़ी क्रेजी है, तो मैंने एक कॉल किया था ओनली, एक कॉल जिसको बोलते ना एक कॉल, तो एक कॉल पे ही आगे। ऑफ राइडिंग भी है जी इसमें, तो रोड है थोड़ा तंग, तो ऐसे रोडों में थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ता है। जंगल वाला है ना, बहुत ही बहुत सीन लग रहा होगा, बता दो मौसम है यार, जबरदस्त सीन है। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे ऑफ हो गया, अरे चलते चलते ऑफ हो गया, चलते चलते ऑफ कैसे हो गए, इसने किल स्विच ऑफ कर दिया यार। ठीक होगा, इस रोड का हाल तो बुरी हाल हुआ है।
अभी कुछ टाइम पहले मेटल हुआ था इस रोड में यार, है ना? और मल्टी मेटल हुआ क्या? दूर उलाते हुए राइडिंग वाले रोड बीच में, जहाँ पे मेटल करने के बाद भी उस टाइम बाद ही ख़राब हो जाता है मेटल, तो ऐसी हाइट है ये। अब मुझे पता नहीं मेटल किस प्रकार से किया जाता है इसमें। ऐसे लॉन्ग साइड से बिल्कुल भी मत चलिए हम लोग, रिस्क है थोड़ा रोडों में। वहाँ पे तो बिल्कुल आप चल सकते हैं, और व्यू देखो, रोड देखो कैसा लग रहा है ना, टीमेट लग रहा है बिल्कुल, तो ऐसे मोड़ लग रहे हैं। दशहरी कहाँ है? वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से वापसी होंगे। क्या करना, चलो वापसी? इस रोड में चलना, इससे आगे वो है, चलते इस रोड में थोड़ा आगे तक जाएंगे फिर वापसी। चलो आगे, अब है यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऑफ राइडिंग, तो ये कुछ अलग व्यू आ गया ना आप लोगों के सामने। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, वाह, जो भी दिख रहे हैं आपको, ये एप्पल के पेड़ है, तो अमेजिंग व्यू होगा। यह है पूरा ऑफ राइडिंग वाला रोड, क्या करें। ऑफ राइडिंग करनी पड़ती है, ऐसे में गिर भी सकते हैं, कीचड़ वाला है ना बीच में, तो सीजन टाइम में काफ़ी गाड़ियाँ चली है, तो काफ़ी गड्ढा हुआ है यहाँ पे, कुछ अलग ही गड्ढा है ये कीचड़ के, तो ऐसे में बाइक स्किड हो जाती है, तो वहाँ संभल कर ही चलना पड़ता है। तो ये देखो, मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, पर रियलिटी में कुछ और दिखता है। GoPro का ओपनिंग है, तो फर्स्ट ओपनिंग में ही GoPro को हमने कहाँ कहाँ धूल के बीच ला दिया। पर ये कुछ ज़्यादा ही ऑफ राइडिंग वाला रास्ता लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए। कुछ मंदिर है यहाँ पे, चलना आगे तक है और रास्ता, नहीं ये रोड भी ले जाता है वाला रोड, मैं सोचता था वहाँ से जाता होगा नीचे के लिए, गांव को जाता है ना, सारी गांव को इधर ऊपर घुमाता है। चले फिर वापस, मोड़ते ही दिखे ना, आगे मोड़ो भाई, तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। अब पूरा ही ऑफ राइडिंग वाला रोड है, मतलब आज वीडियो का इम्तहान
काफ़ी तरीके से हो रहा है, ऑफ राइडिंग में भी चले हम, सीधे में भी चले, ऑफ राइडिंग में भी लग जाएगा पता किस तरीके से दिख रहा है, मुझे भी पता लग जाएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑफ राइडिंग है, गलती से इस रोड में चले गया था पहले। लाउड सुनाओ जरा इसका, लाउड सुनाओ। ब्रुं ब्रुं। इस तरीके से मैंने लाउड सुना होगा इस तरीके का है इसने। जब हमने पीछे एक ब्लॉग बनाया था तो बैक डोर्स नहीं लगी थी, फाइनली मैंने एक डोर्स लगा दिया, एक डोर्स लगा के काफ़ी टाइम हो गया वैसे। चल नहीं सकते, ये भी देखो आप क्या व्यू है, जबरदस्त है मौसम। ये हमारे पीयूष भाई, फाइनली पीयूष भाई भी हमारे पास। पीयूष भाई GoPro की टेस्टिंग हो रही है मेरी ड्राइविंग से ना, इसलिए आपको जो दिख रहा होगा यहाँ से भी पूरा नज़र आ रहा होगा दूर ही है तुम भी। रोहन कहाँ है? ठीक है, ये वाला जो रोड है ये क्या शिमला की है वो मंजीत है। कैसे हो आप? कहाँ ब्लॉकर? कैसे हो? हमारा तो कैमरा कमरा गया है, क्या करे, फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ इसका। बन गया? बस बना ही रहा हूँ, चलो मेरे को तो नहीं बना रहा ऑन है तो टेंशन मतलब तू ही ब्लॉग में आ जाएगा। चल ठीक है, मिलते हैं ना। चल ठीक है, तू तो कहाँ ही इधर आता है? इलेक्शन टाइम, इलेक्शन टाइम। ठीक है, मिलते हैं फिर ना। ठीक है, मुझे दोनों ही मिले, दोनों ही मेरे क्लासमेट हैं।
वी डोंट नो कि प्लस टू तक मतलब साथ पढ़े किस स्कूल में पढ़े। तो आज की ब्लॉग तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। तो पहले यहाँ से सुंगरी, सुंगरी से नसारी, नसारी से वापसी, सुंगरी सुंगरी से फिर वापसी लोगों के लिए। तो ये है क्रिकेट ग्राउंड, पहाड़ों के ग्राउंड कुछ इस तरीके के होते हैं, जगह कम होता है ना। तो फाइनली अभी मैं शर्मवाली पहुँचने वाला हूँ। शर्मवाली, ये है शर्मवाली गांव पूरा। तो आप लोगों को दिखेगा अभी यहाँ से दुनिया अमेजिंग है ना। कैसे हो आप? ठीक है, चलते हैं ना। फाइनली आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। तो मैं कभी सोचता था कि मैं GoPro से वीडियो बनाऊं। तो फाइनली आज फर्स्ट टाइम मैं अपने GoPro से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं खुद भी अपने GoPro से अपना वीडियो देखूँगा और आपको ये वीडियो दिखाऊँगा मैं किस प्रकार का बना। तो देखो यहाँ पे कितना तंग रोड है, पहले बिल्कुल कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। तो एक्सीडेंट भी ऐसे रोड में काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ से भी एक्सीडेंट हुआ है। अब मेरा ब्लॉग का भी एंडिंग हो रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से देखेंगे कैसा वीडियो शूट हुआ है, संजीव हमारे कैसा शूट हुआ, कैसा नहीं हुआ, पूरा एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे।